हेलो दोस्तों, आज मैं शेयर करने जा रही हूँ लखनऊ का एक बहुत ही फेमस डिश बंद गोश्त की रेसिपी, जो कि बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनती है और इसको बनाना भी बहुत आसान है। चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। एक कुकर चढ़ाएंगे, जब यह गर्म हो जाएगा तो ऑयल डालेंगे और ऑयल गर्म करने के बाद एक तेज पत्ता लेंगे, एक बड़ी इलायची, दो छोटी इलायची, 3 लौंग, 5 काली मिर्च, दालचीनी इसमें डाल करके फ्राई कर लेंगे। उसके बाद से आधा केजी मटन डालेंगे, 200 ग्राम प्याज को कट कर लेंगे और इसको भी इसमें ऐड कर देंगे। उसके बाद से कुछ मसाले लेंगे, ये है आधा छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर और अदरक लहसुन का पेस्ट है, एक टेबल स्पून अदरक पेस्ट है, लहसुन पेस्ट और आधा टीस्पून अदरक पेस्ट है। एक छोटी चम्मच हम धनिया पाउडर लेंगे, आधा छोटी चम्मच लाल मिर्च कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लेंगे, एक छोटी चम्मच हल्दी पाउडर लेंगे, 2 हरी मिर्च और 2 सूखी लाल मिर्च, नमक और 1 टीस्पून खड़ा जीरा डाल करके इसको मिला लेंगे। उसके बाद से आधा कप पानी डाल करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद से ढक्कन लगा करके एक सीटी आने पर फ्लेम को लो कर देंगे और गोश्त को 10 मिनट तक के गला लेंगे। 7 काजू लेंगे, 3-4 छोटी इलायची लिए, 1 जावित्री का फूल लिए, जायफल है छोटी सी और आधा छोटी चम्मच से थोड़ा सा कम काली मिर्च और 1 टीस्पून खसखस लिए है, आधा टेबल स्पून नारियल पाउडर। इन सारी चीज़ों को हम पेस्ट बना लेंगे। इधर मेरा गोश्त गल गया है, अब इसको हम कढ़ाई में डाल करके इसको अच्छे से भून लेंगे। जब यह गोश्त अच्छे से भून जाएगा और पानी सूख जाएगा, मेरा गोश्त 90% गल गया है और बाकी बाद में ये गोश्त गल जाएगा। इसको जब भून जाएगा गोश्त तो इसमें आधा कप दही डालेंगे। उसके बाद से जो हम काजू का खसखस का और गोलकी वगैरह का पेस्ट बना कर रखे थे इसको भी इसमें ऐड करके इसको फिर हम इसको अच्छे से भून लेंगे। ये बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार गोश्त बनता है। इस तरह से आप भी ट्राई कीजिए और बनाइए, और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अब इसमें हम पानी डाल करके और केवड़ा एसेंट थोड़ा सा डाल करके इसको हम धीमे आंच पर 5 मिनट के लिए पका लेंगे। ये बहुत ही मज़ेदार और लजीज गोश्त बन करके मेरा तैयार है। इसको आप चपाती नान वगैरह से के साथ खा सकते हैं और इस तरह से आप भी बनाइए।